ट्वेल्थ है इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक है प्रूडेंस है, नॉन फिक्शन नंबर थर्ड है द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, तर्कसंगत भारतीय। आर्ग्यूमेंटिव तर्कसंगत इंडियन भारतीय, जिसको कि और एक इंडियन राइटर हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन के द्वारा और इस नॉन फिक्शन को लिखा गया है। अमर्त्य सेन जो कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक थे और जिनका जन्म है नवंबर 1993 में हुआ था, 3 नवंबर 1993 को, और सिंस है 1972, और 1972 से ही हैज़ टॉट है इन ए यूनाइटेड किंगडम एंड ए यूनाइटेड स्टेट्स। और 1972 से ही हम देखते हैं कि ये और यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट हैं, और इन देशों में यूके और यूएस में वो पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अमर्त्य सेन है और उन्हें जो नोबल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में और 1998 में, कि 1998 में आपको नोबल प्राइज़ प्राप्त हुआ, भारत रत्न है आपको 1999 में हुआ था, 1999 में प्राप्त हुआ, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल है जो कि आपको 2012 में प्राप्त हुआ, जॉन स्काइटे प्राइज इन पॉलिटिकल साइंस में आपको 2017 में प्राप्त हुआ, जॉन स्काई प्राइज इन पॉलिटिकल साइंस में आपको 2007 में प्राप्त हुआ। तो अमर्त्य सेन को ये कुछ प्राइज थे जो प्राप्त हुए, और इनके द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया और द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, जो ये चैप्टर है कि इस चैप्टर में हम देखते हैं इन दिस लेसन, इस लेसन में ही होल्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द इंडियन। यहाँ पर देखते हैं कि पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ इंडियन, इन दिस लेसन इस पार्ट में या चैप्टर में ही होल्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, जो कि एक है तंज कसते हैं पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों की एक खास गुणवत्ता है उस पर वो एक है तंज कसते हैं, उन्होंने एक तरीके से टॉन्ट किया है कि भारतीयों में एक विशेष क्वालिटी पाई जाती है उस क्वालिटी पर, दिस इज ए ग्रेट क्वालिटी ऑफ आर्ट, जो कला की महानतम क्वालिटियों में से एक है वो है डिबेट, वाद विवाद करने की। प्राचीन समय से आप देख सकते हैं कि भारतीयों में ये क्वालिटी थी जो वाद विवाद करने की, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन हम देखते हैं शायद आज धुंधली पड़ गई है। आपको पता है कि प्रोलिक्सिटी इज नॉट एलियन टू अस इन इंडियन, कि बड़बड़ाना, प्रोलिक्सिटी बड़बड़ाना इज नॉट एलियन टू अस इन इंडियन, हम भारतीयों को विदेशी नहीं बनाती है, कि वाद विवाद करना हम भारतीयों को विदेशी नहीं बनाती है ये आदत या कौन, क्योंकि वाद विवाद करने की जो आदत है हमें प्राचीन समय से ही है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये जो
चैप्टर है इसी स्टेटमेंट से आरंभ होता है, प्रोलिक्सिटी इज नॉट एलियन टू अस इन इंडियन, हम भारतीयों को बड़बड़ाना या वाद विवाद करना है वो एलियन नहीं बनाती, एक विदेशी नहीं बनाती, एक अजनबी नहीं बनाता है ये गुण, क्योंकि हमें ये जो आदत थी ये प्राचीन समय से ही है। इसके बाद में यहाँ पर अमर्त्य सेन किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो उदाहरण देता है कि कृष्णा मेमन और जिन्होंने कि एक लंबा व्याख्यान दिया था संयुक्त राष्ट्र में, जो कि भारतीय मंडल का प्रतिनिधित्व किया था यूनाइटेड नेशन में, और कृष्णा मेमन और जो कि एक भारतीय थे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट में और 9 घंटे तक अभिभाषण दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ही सिंपली गोइंग एंड ब्रिंगिंग ऑन पॉइंट, जो अमित सेन है वो हमारा ध्यान एक बात पर केंद्रित करना चाहते हैं, वेस्ट भी ओपनिंग टू अट्रैक्ट पीपल माइंड है, कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो सर्वश्रेष्ठ है जो तरीका है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि भारतीयों को यह वाद विवाद करने की जो कला है वह दशकों पहले से ही दिखाती है, समझ आती है कि जो भारतीयों में वाद विवाद करने की जो कला है ये दशकों पहले से ही है। जैसा कि आप देखते हैं कि रामायण और महाभारत जो महाकाव्य लिखे गए हैं तक में हमें आर्ग्यूमेंट का पता चलता है कि इन दोनों ही महाकाव्यों में हम देखते हैं कि तर्क वितर्क है और डिबेट के बारे में पता चलता है। आप देख रहे हो कि आप अर्जुन और कृष्णा के बीच में जो डिबेट होता है वो इसी का ही एक हिस्सा है, वाद विवाद का। इसमें वाद विवाद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार यूरोपियन और शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें आप देखते हो टेम्पेस्ट है और जितने भी हैं किंग लियर है, इनमें वाद विवाद देखने को मिलता है। और इसके बाद हम देखते हैं द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन, तर्कसंगत भारतीय, डायलॉग्स एंड सिग्निफिकेंस, कृष्णा एंड अर्जुन। गीता सारे गीता उपदेश में हम देखते हैं कि जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में डायलॉग होता है, बातचीत होती है, वाद विवाद होता है, और उसको बताया गया है कि हम में जो ये गुण है, क्वालिटी है, वो प्राचीन समय से है। और यहाँ पर अगर अर्जुन कृष्ण के साथ वाद विवाद नहीं करते तो क्या है कि उसका कॉन्सेप्ट है वो कभी भी क्लियर नहीं होता कि एक व्यक्ति विशेष के कर्तव्य की प्राथमिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है गीता उपदेश में। और इसमें हम देखते हैं कि कृष्ण का अर्जुन के साथ वार्तालाप और कर्म के फल के वो कहता है कृष्ण कि कभी भी कर्म के फल के बारे में मत सोचो और इंसान को कर्म करना चाहिए, लगातार कर्म करते रहो। एक डिफिकेटेड आर्ग्यूमेंट, एक देशद्रोही जो तर्क होता है, दैट रिफ्यूजेस टू बी ओब्लिटरेटेड है, उसको नामो निशान मिटा देना चाहिए। एक देशद्रोही आर्ग्यूमेंट है दैट रिफ्यूजेस टू बी ओब्लिटरेटेड कैन रिमेन वेरी अलाइव, कि एक देशद्रोही विचार है वो हमें नामो निशान और मिटाने से रोकने की कोशिश करता है, और ऐसा ही विचार है कैन रिमेन वेरी अलाइव, जो लंबे समय तक है और जीवित रहता है। कि जो आप देख रहे हो
जो अर्जुन है उसके मस्तिष्क में एक आर्ग्यूमेंट था कि अर्जुन ने एक तर्क वो सामने रखा था। वो तर्क था कृष्ण के सामने कि जो सामने लड़ रहे हैं वो वे सब मेरे भाई मित्र हैं, मैं उनके साथ क्या करूं और कैसे लड़ूं। आज भी ये युद्ध होता है कि युद्ध के समय अर्जुन को संदेह हुआ, उस संदेह को दूर करने के लिए जो कृष्ण ने बताया कि सबसे पहले जो कर्म है उसके बारे में सोचो, आप आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि प्राचीन काल से जो आप देख रहे हो कि जो डिबेट है, जो वाद विवाद करने की जो गुण है भारतीयों को प्राचीन काल से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जेंडर, कास्ट और वॉइस, मेल काउंटर पार्ट्स सोसाइटी कि यहाँ पर लिंग, जाति तथा आवाज जो कि पुरुष के समकक्ष है यह समाज में देखने को मिलता है। कि आप देख रहे हो कि विमेन समाज में महिलाओं को लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है, कि सीमित संलिप्तता होती है समाज में महिलाओं की, कि कोई भी अच्छा डिबेट वगैरह होता है उसमें जो पुरुष हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है महिलाओं की नहीं। और भारत में आप देख रहे हो कि जेंडर है, लिंग वर्ग जाति तथा समुदाय में गहरी असमानता है, क्योंकि भारत में पुरुष प्रधान समाज है। आप देख रहे हो उदाहरण के रूप में आज भी यूएसए में एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है। और आप देख रहे हो कि महिलाओं की राजनीतिक मार्गदर्शन और बौद्धिक तलाश दोनों में अनदेखी और की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि होल सोशल सिस्टम इज एक्चुअली गोइंग अहेड, पूरा सामाजिक जो संरचना है समाज आगे बढ़ रहा है हमारा, बीइंग बेस्ड ऑन द रेस ऑफ मेल फिगर। और इस सोशल सिस्टम में आप देखते हो द रेस मेल फिगर और पुरुष अदर टॉप है, और जिस पर कि पुरुष है उसका प्रमुख स्थान है, महिला का कोई स्थान नहीं है। कि पूरा है सिस्टम है वो चल रहा है, और जो पुरुष जाति पर और ये जाति जो आप देख रहे हो पूरा सिस्टम है मेल फिगर पर और आधारित है। और इसे आप देख रहे हो सामाजिक सिस्टम में पुरुष को प्रधान माना गया है, महिलाओं की अनदेखी की गई है। यद्यपि आप देख रहे हो कि अतीत में काफ़ी इंटेलिजेंट महिला हुई थी, जैसे है आप देख रहे हो गार्गी है जो कि बौद्धिक तथा अध्यापिका थी वो भारतीय। इसके बाद हम देखते हैं सरोजनी नायडू है, झांसी की रानी है, यज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेया, ये सभी महिलाएं। क्यों हिस्ट्री, यदि इतिहास में जाते हैं तो आप देख रहे हो कि क्यों झांसी की रानी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में वो लड़ी जो कि एक महान संसार की वीरांगना रानी थी। और कास्ट जाति के बारे में बात करें अपन, ब्राह्मण सोसाइटी इज गिवन अपर, कि ब्राह्मण समाज को जो उच्च स्थान प्राप्त है। आप देख रहे हो कि जो ये समाज है उसमें स्वतंत्र नहीं है, आप देख रहे हो कि ये समाज है इसमें मेल को ज़्यादा स्वतंत्रता है फीमेल को नहीं है। कास्ट देख रहे हो आप, ब्राह्मण जाति को जो अधिकार है वो अन्य जाति को नहीं है, दूसरी जाति उनके लेवल के अनुकूल नहीं है। डेमोक्रेसी एज पब्लिक रीजनिंग, जो प्रजातंत्र है वो जनता के विचारों का एक संग्रह है, क्योंकि जनता के द्वारा ही अपने मत पत्रों के द्वारा इसे बनाया है, अपने विचारों से बनाया है। और जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ पर फ्री कंट्री है, स्वतंत्र है और देश है,
वहाँ पर गवर्नमेंट मिलेगी, वहाँ पर सरकार मिलेगी, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि वहाँ के लोग हैं स्वतंत्र नहीं हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन 100% है पॉलिसी। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट तर्क है जो कि रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या, और हम लोगों ने देखो ऐसे विचार जो कि जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि जिस देश में 100% है जो पॉपुलेशन है डेमोक्रेसी में, उन सभी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और क्या पॉलिसी बनाई जाती है, और जो भी पॉलिसी बनाई जाती है और वो सही हो या गलत है उसे फॉलो करना चाहते मतलब फॉलो करना पड़ता है। अब हमें डिबेट करने की वो क्षमता है वो धुंधली पड़ गई है, क्यों? हम जो जो गवर्नमेंट है सरकार है उसके अपोज में जाना पसंद नहीं करते हैं। हम लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी उसी को हमें मानना होगा। और आर्ग्यूमेंटिव है